तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है दिन में दो बार, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अकेले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अजय देवगन की पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के अपडेटेड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की, साथ ही साथ फिल्म का ओवरसीज का कलेक्शन कितना हो चुका है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों 10 जनवरी को रिलीज हुआ तानाजी द अनसंग वॉरियर नाम का तूफान, जी हाँ दोस्तों ये फिल्म नहीं एक तूफान है जो बॉक्स ऑफिस पर दिन पे दिन सभी रिकॉर्डों को उड़ाती जा रही है और फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच रही है और फिल्म के कलेक्शन दिन पे दिन आ रहे हैं शानदार। जी हाँ दोस्तों जब से ये फिल्म रिलीज हुई है और अब तक फिल्म ने एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब 10 करोड़ से कम की कमाई की हो। जी हाँ दोस्तों इतने दिन होने के बाद भी तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी डट के चल रही है और फिल्म के डेली के कलेक्शन लोगों को हैरान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें फिल्म के बारे में तो मराठी डायरेक्टर ओम रोत के डायरेक्शन में बनी तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म, जिस फिल्म में अजय देवगन ने किरदार निभाया है तानाजी मालसूरे का, वही इस फिल्म में विदय भान राठौर का किरदार प्ले कर रहे हैं सैफ अली खान, साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं शरद केलकर, इसके अलावा दोस्तों काजोल मैम भी इस फिल्म में नजर आ रही है। अगर बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट सिर्फ 110 करोड़ रुपए था जो कि फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों में ही रिकवर कर लिया था। वही दोस्तों बात करें स्क्रीन काउंट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को अपने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड 4,500 स्क्रीन में रिलीज किया था। जी हाँ दोस्तों फिल्म को 4,500 स्क्रीन हिंदी मराठी और 3D तीनों वर्जन में मिली थी और दोस्तों फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 15 करोड़ 10 लाख रुपए का और फिल्म ने अपने वीकेंड यानी कि शुरुआती 3 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन किया था लगभग 62 करोड़ रुपए का। लेकिन दोस्तों फिल्म वीकडेज में भी काफी स्ट्रॉन्ग चली और फिल्म के पहले हफ्ते के कलेक्शन इंडिया नेट रहे लगभग 119 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें दूसरे हफ्ते की तो फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी तहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन 8वें दिन रहे 10 करोड़ 6 लाख रुपए, वही 9वें दिन रहे 16 करोड़ 36 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों यहां फिल्म ने सबसे ज्यादा हैरान किया अपने 10वें दिन यानी कि सेकंड संडे। जी हां दोस्तों फिल्म के दूसरे रविवार के कलेक्शन कहीं ना कहीं कई फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा थे क्योंकि इस फिल्म ने अपने 10वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया लगभग 22 करोड़ 12 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती 10 दिनों में टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया था 167 करोड़ 45 लाख रुपए। दोस्तों फिल्म ने 10 दिनों में 167 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी। अब बात करें दोस्तों फिल्म के 11वें दिन के कलेक्शन की तो यह फिल्म 11वें दिन यानी कि मंडे भी बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग रही और फिल्म को अपने 11वें दिन मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली लगभग 19% की, वही दोस्तों फिल्म को आफ्टरनून वाले शोज में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली 32 से 35% और इवनिंग वाले शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी रही लगभग 45% की। तो दोस्तों जिस तरह से फिल्म की ऑक्यूपेंसी और जो डाटा अभी तक आया है उसे देखते हुए लग रहा है कि यह फिल्म अपने 11वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का शुरुआती 11 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 176 करोड़ यानी 176 करोड़ रुपए, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 200 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। जी हां दोस्तों आपको बता दें फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 205 करोड़ रुपए हो चुका है। बात की जाए ओवरसीज कलेक्शन की तो दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से अभी तक टोटल कमाई की है लगभग 23 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 228 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 228 करोड़ की कमाई कर चुकी है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है ब्लॉकबस्टर हिट। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक भी आपने तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म नहीं देखी तो प्लीज इस फिल्म को देखकर जरूर आए, फिल्म काफी शानदार है। और अगर आप तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म देखकर आ चुके हैं तो यह फिल्म आपको कैसी लगी, झकास या बकवास, अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।